व्हाट्स अप फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस में स्वागत करता हूँ। इसी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में हमने अब तक देखा था सी टोकन्स। तो सी टोकन्स में हमने अब तक पढ़ लिया है फ्रेंड्स आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो नेक्स्ट हमारा सी का टोकन्स है फ्रेंड्स कीवर्ड्स और कॉन्स्टेंट्स। हम कीवर्ड्स और कॉन्स्टेंट अलग अलग हो गए फ्रेंड्स, वो अलग अलग टोकन्स हैं, उनको हम दोनों को आज पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। दोनों ही बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज के। लेट्स देखते हैं क्या होते हैं कीवर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो कीवर्ड जो होते हैं फ्रेंड्स सी प्रोग्रामिंग, वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग को डेवलप करते समय बनाए जाते हैं। उसका मीनिंग प्री डिफाइन होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और INCC सपोर्ट्स 32 कीवर्ड्स। तो INCC होती है, INCC का फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और वो पूरे 32 कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स को सपोर्ट करती है। तो हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो कुल मिला के 32 होते हैं। तो उसमें वो हमारे डेटा टाइप्स, टोकन्स, मतलब टोकन्स के में जो जो ऐसे शब्द आते हैं वही हमारे रिजर्व वर्ड्स और थोड़े और होते हैं फ्रेंड्स, वो 32 है। तो आप कोई दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर वही हमारे 32 कीवर्ड्स है। ऑटो, ब्रेक, केस, केयर से लेके वोलाटाइल, वाइड वोलाटाइल और वाइल्ड तक। तो ये हमारे 32 कीवर्ड्स फ्रेंड्स, इनको हमें याद करना पड़ेगा, इनको कोई दूसरी टेक्निक नहीं है, इसे हमें रटना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ये हमारे 32 कीवर्ड्स है, इन पे ही सी प्रोग्रामिंग हमारे डिपेंड होती है फ्रेंड्स। तो छोटा सा टॉपिक है कीवर्ड्स का, वो हमें आगे चल के पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सी टोकन्स फ्रेंड्स, देखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम सुन के पता चलता है कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी, प्री डिफाइन होगी। तो इधर भी वही वैसा ही कुछ है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या है। कांस्टेंट्स आर फिक्स वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट हमें अब तक पता था कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी, हमने बहुत जगह पर उसका यूज़ किया था प्रोग्रामिंग को छोड़ के। तो प्रोग्रामिंग में भी उसका मतलब वही है कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। और याद रखो फ्रेंड्स कि कांस्टेंट वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन द्वारा भी चेंज नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कांस्टेंट आर ट्रीटेड जस्ट लाइक रेगुलर वेरिएबल एक्सेप्ट दैट देयर वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट जो होती है वो रेगुलर वेरिएबल की तरह ही प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ उसमें और रेगुलर वेरिएबल में डिफरेंस इतना ही है कि रेगुलर वेरिएबल की प्रोग्राम में वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कांस्टेंट की चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, सी सपोर्ट सेवरल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो सी लैंग्वेज में कई तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, बेसिकली न्यूमेरिक कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये तीन टाइप के बेसिकली कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में फिर से दो उसके टाइप से जो है इंटीजर कांस्टेंट्स और रियल कांस्टेंट, ये न्यूमेरिक के दो पार्ट है। उसके बाद फिर से इंटीजर कांस्टेंट में थ्री पार्ट है उसके फ्रेंड्स, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट का कोई टाइप नहीं और स्ट्रिंग कांस्टेंट का भी कोई टाइप नहीं है। अब कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट जो सी लैंग्वेज में होते हैं फ्रेंड्स वो एक सिंगल कोट में ही इनक्लोज किए जाते हैं। मतलब सिंगल कोट में जो भी कैरेक्टर है वो समझ लेने का कैरेक्टर कांस्टेंट हो चुका है वहीं पर। अगर स्ट्रिंग देखी जाए तो स्ट्रिंग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर एंड इनक्लोज इन डबल कोट। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग आपको अभी तक पता नहीं, स्ट्रिंग का एक बहुत बड़ा आगे से चैप्टर भी है। तो स्ट्रिंग को आप बेसिकली यही याद रखो कि स्ट्रिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, मतलब जहाँ पर भी एक कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स इनक्लोज होंगे डबल कोट में उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। मतलब किसी का भी नाम हो गया, और जैसे पुणे एक सिटी है तो पुणे एक स्ट्रिंग हो गई, तो इसके स्ट्रिंग कहते हैं फ्रेंड्स जो डबल कोट में इनक्लोज की जाती है और वो कांस्टेंट हो जाती है। न्यूमेरिक कांस्टेंट इंटीजर और फ्लोट को कहा जा सकता है फ्रेंड्स। इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल भी आता है, ऑक्टल भी आता है और हेक्साडेसिमल भी आता है। तो यही थी फ्रेंड्स कांस्टेंट। आज के वीडियो में हमने आप तक देखा कांस्टेंट और कीवर्ड्स। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।